सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ ये सभी अतिथि शिक्षक आज भोपाल की सड़कों पर हैं। 2 सितंबर 2024 को प्रत्येक जिले में रैली के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को याद दिलवा चुके हैं और हमने आग्रह किया था, अल्टीमेटम भी दिया था, हमारे हित में आदेश जारी नहीं होते तो 5 सितंबर को तिरंगा यात्रा निकालेंगे। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत हो गया था, श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से हमने 5 सितंबर का कार्यक्रम कैंसिल करके उसको स्थगित 10 सितंबर तक किया था और आज ये सभी अतिथि शिक्षक अपना भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए सड़कों पर आए हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? यदि अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार मांगे पूरा नहीं करती तो ये धरना प्रदर्शन रैली लगातार चलेगा और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश सरकार को मजबूर होना पड़ेगा अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि हम आतंकवादी अपराधी नहीं हैं। हमने 16 वर्षों तक शासकीय विद्यालयों में बहुत ही अल्प मानदेय पर सेवा दी है, इस तरह से 16 वर्ष की सेवा को बेकार नहीं जाने देंगे। सीएम हाउस जाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल जाएंगे, सीएम हाउस जाने के लिए ही ये एक एक अतिथि शिक्षक। कितने जिले से आए आप लोग? सभी लगभग 55-56 जिले से अतिथि शिक्षक आज एकत्रित हैं। कुछ रास्ते में ट्रेनों में हैं, बसों में हैं, कुछ हमारे साथियों को जगह जगह रोक दिया गया है, वो उसी जगह बैठ के धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्या जो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की गई थी तो ऐसी कोरी और झूठी घोषणा है क्या, जैसे उन्होंने कई घोषणा की वो भी उसी में शामिल है क्या? सिर्फ मानदेय वृद्धि का आदेश अभी तक हुआ है, उसके अलावा जितनी भी घोषणाएं थी सभी घोषणाएं अधूरी हैं।